इधर आओ यार, की करते पे हो, पागल हो तुसी यार। देवकुल ए मोटे, मेरी गल सुन मोटे आ, ओ मरे गड्डी खो, पागल क्या बच्चिया खोल, मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा मुंह के। ओ बिल दे के जाओ पागल हो। हेलो ओए, मेरे पास पैसे नहीं है पागल। मेरी नानो यहाँ पे दसवीं करने आती थी, जब नानो का दिमाग का बड़ा था ना मसला। अच्छा जी, इसी कमरे के साथ अटैच, आप इस तरफ आ जाएंगे। हाँ जी, यहाँ पर सेकंड कमरा है, ठीक है ठीक है। ये वाला जो दरवाजा, ओके, यहाँ पर भी गार्डन है। चलो अच्छा यार, तेरा अच्छा तू भी रोन लगा, और बस कर मरे, तू कैसे रोन लगा है। तो तेरा कितना बजट है? पागल है, खुशी है सरकार, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। क्या? आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग ब्रो। जी जी, आपको और अजय फैमिली को। यार मैं कौन से मुंह से आप लोग का शुक्रिया अदा करूं, है तो मेरा यही एक मुंह, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यार भाई हम बातों पे बिलीव नहीं करते, हम जो है ना करके दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये एक अदद ब्लॉग है जो कि लगा है कल की डेट में, ऐसे ही है दोस्ती डन। 19 घंटे हो गए हैं इस ब्लॉग को लगे हुए, 2.7 मिलियन अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इस ब्लॉग में कहा था कि जी ऐसे सुक्की माफी नहीं मिलनी, आपको अब इसके पैसे पे करने पड़ेंगे, आपको सेइंग यस करना पड़ेगा। इन्होंने कहा चलो जी ठीक है, अगर 50,000 कमेंट आ गया विद इन 24 आवर्स, और हैदर और डोकर दोनों अलग अलग मेरा सेइंग यस करेंगे जो मैं कहूंगा। वाह, अभी हम देख लेते हैं 19 घंटे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये हो गया जी हमारा ब्लॉग प्ले, एड ना चल जाए, पहले नहीं चले अभी। अच्छा यहाँ पर इसको पॉज करते हैं, ये गए यहाँ पे, यहाँ गए, ये क्या है? ओए होए 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 होए, व्हाट इज दिस? 50 एक के लिए, 50 एक के लिए भाई, उन्होंने सात बराबर कर दिया फैमिली ने। हाँ जी, 3,40,000 लाइक है, 27 लाख व्यूज हैं, 3 नवंबर और 19 घंटे हमें लगे हुए। इन्होंने मांगा 50,000, हमने दिया 50,000 ईच। मैं कहता हूँ हैदर का तो पता नहीं, मगर मान डोगर तो गए हो, हैदर भी गए हो, मैं तो माफी देनी नहीं है। मैंने इस सेइंग यस के अंदर माफी देनी नहीं है, मैं इतिहास जो है ना वो पलट के रख दूंगा भाई। दिस इज द पावर ऑफ रजब फैमिली, सल्यूट, मुझे सल्यूट करें, सल्यूट है जी आपको, सल्यूट है जी। 100K कमेंट्स, खाला जी का बड़ा नहीं है, मेरे उस्ताद के गाने जो होते थे 100K कमेंट्स, सिद्धू मूसेवाले के गाने होते थे, मिलियन मिलियन कमेंट होता था उस गाने पे, ठीक है। 100K कमेंट्स जस्ट इन 19 आवर्स, क्या बात है, दिन ही बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ। ये शुरू कब होना है भाई? ये मैक्सिमम 2-3 दिन के अंदर मैंने इन दोनों से अपना सेंगेस लेना है। पहले कौन करवाएगा? टास होगा, ये टास होगा, जैसे कि मान गए। अच्छा। मैंने तो उनको हेट ऊपर, एक दिन डोगर एक दिन हेडर। अच्छा। माफी नहीं देनी भाई, माफी नहीं चाहिए हमें, माफी नहीं चाहिए भाई, फाड़ के रख दूंगा ऐसा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, क्या हाल है? ठीक ठाक माजी, 100K हो गए माजी, 100K हो गए, 100K कमेंट हो गए, 1,00,000 कमेंट हुई है घंटे में। This is the power of Rajab family. Thank you for salute kar bhai, bhai salute kar. Bhai tu salute kar le bagair ta. Tu salute kar, tu salute kar. Bahut shukriya bete. Salute kar, thank you Rajab bhai ka. Tera salute idhar. Mamma hai na. Chalo koi baat nahi. Nashta kar lete hain, aa jao. आजा छोटे टिड्डे, आजा आजा आजा, आए हाय हाय हाय, मेरी मां दे पराठियां दा नहीं जोड़ेगा ना, मेरी मां दे पराठियां दा जोड़े ते ना मेरी मां दी चपेटां दा जोड़े, क्या बात है। हां जी वाकई कोई जोड़ नहीं, आपको तो पड़ी नहीं है, आपको क्या पता, आपको तो फरा अम्मा की पड़ी है, मेरी अम्मा की नहीं, आपको पड़ी, मैंने देखी है बारह। अच्छा कहो, आपको पढ़ती देखी है? मैंने आपको पढ़ती देखी, यस गुड। अच्छा जी, ये आ गया अपना ऑमलेट, ये आ गया एक पराठा मेरा और एक पराठा जवाब देखा। बिस्मिल्लाह करो जान, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मजा आया। चलो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता कर लिया, टाइम इस टाइम हो रहा है जी 3 बजे का। यार एक चीज ना मुझे बड़ी अच्छी लगी है, अपनी ब्रांड वैल्यू, रजब फैमिली की ब्रांड वैल्यू पता लगी है। एक तो हमने जो 1,00,000 कमेंट किया 19 घंटे में, आय हाय हाय हाय, चस आ गई। और दूसरी बात यह कि आप सब गवाएं, जब हम लोग यहां पर बहरिया में शिफ्ट हुए थे, ये सारे के सारे खाली थे, वीरान थे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी पट्टी को देखो, पर्दे पुर्दे लगे हुए, ये सारी पट्टी फिल हो गई है। और अभी यहाँ पर ये देखो, ये सामान आ रहा है, ये शिफ्टिंग हो रही है, ये साइड सारी भर चुकी है, ये देखो रिहाइश आ गई, ये देखो रिहाइश आ गई। आए हाय 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 हाय, आपका भाई आया, व्लॉग शॉग किए हैं,
टिकटॉक यहाँ पर बनी है पूरी फॉर यू पे ये पट्टी चल रही है, लंदन स्ट्रीट नजर आ रही है। और आज माशाल्लाह के माशाल्लाह रेट भी बढ़ गया और सारे के सारे जो है ना वो अपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेल हो गए। फिर जलवा तो है भाई का है। अच्छा जी, आई नो आप सब सोच रहे हैं कि रजत भाई कल का व्लॉग जब आपने एंड किया था तो आपने कहा था होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक नए शहर के व्लॉग के साथ, तो आप तो अभी लाहौर में बैठे हुए हैं, अपने घर में ही बैठे हुए हैं। मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ। रात को हमने जाना था, 3:30 बजे हमने निकलना था और वहीं जाना था जहां पर हम हमेशा जाया करते हैं बॉयज ट्रिप पे, 1-2-3 दिन का जो ट्रिप होता है जहां जाया करते हैं वहीं जाना था। लेकिन क्या हुआ, मैं 2 दिन से जाग रहा था, 2 दिन से कंटिन्यूस जाग रहा था। और जागना मुझे क्यों पड़ रहा है, जागना मुझे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मैं 3 दिन एक्स्ट्रा कर दूं, मैं लगा के आ गया हूं। अब हर काम मेरे गले को आया है, चाहे मेरी शिफ्टिंग हो, चाहे मेरी शादी हो, चाहे कोई और 100 निजाम होते हैं, 100 काम होते हैं, ठीक है। अब वो काम खत्म होंगे तो मैं फिर कुछ और ही करूंगा ना, समझ लो। मैं 2 दिन से जाग ही रहा था, सोया ही नहीं था। मैं 4:30 बजे सोया हूं, सुबह 12 बजे उठा हूं, 20 मिस कॉल्स हैदर की, 15 मिस कॉल्स जौकर की, शैजी की 20 मिस कॉल्स। और जहां हमने जाना है वहां से हमारे जो गेस्ट हैं, जो हमारे दोस्त हैं इस्लामाबाद के, जहां इस्लामाबाद जाना है यार, आपको पता है इस्लामाबाद जाएंगे, वहां से 3 मिस कॉल्स। लेकिन मैं नहीं उठ सका, क्या करता हूं यार। इधर आप आ सुन, हेलो इधर आ, मजर हमें अपनी गड्डी नजर नहीं आ रही, गड्डी कितने फिलहाल अभी कोई पता नहीं है कि शायद हम आज की डेट में ही निकल जाए अपने ट्रिप पे, और शायद कोई पता नहीं अभी वो ट्रिप कैंसिल हो जाए। भाई गाड़ी किधर है? बॉस गाड़ी तो सुबह शादी भाई लेंगे। हैं? शादी भाई क्यों पता नहीं, बॉस बताया उनको तो चलानी नहीं आती, ठोक ठोक देंगे कहीं पे, अल्लाह खैर करेगा बॉस जी, ठोकेंगे तो पैसे उनसे ही लेने हमने। यार शादी साहब, अच्छा शादी गाड़ी लेके गया हुआ, जीरो तो होगी उसको, कोई बात नहीं, चलते हैं ऊपर, अम्मा से पूछते हैं, अम्मा को काम तो नहीं है, अगर अम्मा को काम नहीं है तो फिर अपने चलते हैं दोस्तों के पास और ट्रिप का डिसाइड करते हैं कि आज ही जाना है या फिर अभी पेंडिंग करना है। हैव फन। मामा जी, मम्मा मेरी बात सुनो, बड़ा जरूरी काम आपसे। भट साहब अस्सलाम वालेकुम, तबीयत ठीक है आपकी? भट साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, 1 मिनट ऊपर करो ये आपके पाऊं जो है ना मैं अपने माथे पे रखता हूँ, आप मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं, खुदा का वास्ता आपको प्लीज अपनी सीट चेंज कर लें, प्लीज आपकी मेहरबानी। आज मैंने इतनी बड़ी बात कर दी है, मैं जब एंटर होता हूँ आप इधर ही बैठे होते हो, ताड़ी मेहरबानी सरकार। 2 महीने से बैठो, 2 महीने तो नहीं खैर, अगले 15 दिन 20 दिन जो है बैठो, रिक्वेस्ट है ताड़ी तो। बट साहब मेरी बात सुनो, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ऐसा है कि माइट बी पॉसिबल मैं अगले घंटे डेढ़ के अंदर इस्लामाबाद के लिए निकल जाऊं अपने सारे यार दोस्तों को लेके, ठीक है, लेकिन शायद ना भी जाऊं। मैं आपको मैं बता दूं, मेरा बैग पैक कर दूं, फिर निकलना, ठीक है। मेरी बात सुनो पहले। हाँ जी, क्या तुमने शोर पूरे वो टिकटॉक पर जब मैंने वीडियो ये टिकटॉक छोड़ दी? नहीं, टिकटॉक नहीं छोड़ दी, टिकटॉक लाइव छोड़ दी, लाइव जो भी। हाँ छोड़ दिया। देखो बुरा मुझे भी लगा था, परेशान मैं भी, रोई मैं भी थी कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। मेरी बात सुनो, किस अच्छा हमारी यूट्यूब की जो आवाम है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है टिकटॉक से, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। मैं यही कहना चाहती थी कि जिन लोगों से मैंने नहीं सोचा था ना कि वो कुछ कहेंगे, जब मैंने उनकी देखी ना वीडियो फिर मैं रोई थी। यार मेरा बेटा घर लेके नहीं आता पैसे, वादा किया था कि अम्मा, मैंने कहा था मुझे नहीं पसंद, ऐसे था ना, आपने मुझे कहा अम्मा को पैसा घर नहीं आएगा, यही हुआ था ना हमारी। मैं आपको डे वन से एक चीज बता देता हूँ कि डे वन जब मैंने अम्मा से कहा था मैंने टिकटॉक लाइव बैठना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अम्मा की ये बात थी कि किस टाइम, पागल है, अगर 13-14 घंटे तू चलना है, काम करना है, किस टाइम बैठेगा? मैंने कहा 2 घंटे मैं मैनेज कर लूंगा। अब मैंने कहा मुझे वो पसंद नहीं है, मैंने कहा मैंने उसके पैसे सारे रज्जब फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 2 महीने कमाए और 2 महीने के व्लॉग्स लगाए। मैंने इस बात पे तुम्हें कहा था कि बेटे कर लो, अगर तुमने मेरे बच्चों में तकसीम कर तो कोई बात नहीं, कर लो, मुझे पसंद की कसम नहीं पसंद। आप जब आते हो तुम कभी घर पैसे लेके आए हो? मेरे को पैसे घर आते ही नहीं है, मैं क्या करता हूँ, अवैस भाई हैं, जैसे जैसे रोज के रोज पैसे कमाता हूँ टक 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 करता हुआ पूरा अवैस भाई को सेंड करता हूँ, डॉलर्स होते हैं, मंथ एंड पे उनसे लेता हूँ और वहीं से डिस्ट्रीब्यूशन पूरी करके फिर घर आना, वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर भी पैसे नहीं आते। और जब फिर मैंने वो बात सुनी उससे मैंने कसम खुदा, अच्छा वो बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ, हमारे कोई अपने बैठे हमारे जानने वाले हमारे साथ बैठ के खाया पिया हमारे साथ बैठ के मजे से सुनी, वो हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं कि एक फ्रिज वंड देता है, 5,000 के बर्तन वंड देता है, बकाया सारे पैसे खा देता है। मैंने अपने मुंह से कहा है कि टिकटॉक लाइव की कमाई मेरे ऊपर हराम है, ठीक है, कैसी कैसी हराम बात देती है यार। हराम चलो ठीक, हम छोड़ देते हैं हराम हलाल को। देखो एक बंदा, मैं तुम्हें कहा था कि मेरे बेटे के पास रेस्ट का टाइम नहीं बचा, मेरा बेटा हाइपर होता है, दूसरे नंबर पे तेरी जुबान वहां जाके चेंज हुई, मुझे बर्दाश्त ही नहीं है, ऐसे ही है कि नहीं, तो अपनी वहां से बता दे। मैंने सब कुछ बर्दाश्त क्यों किया, चलो मेरा बच्चा एक नेकी का काम करता, कोई जो माए आके ऐसे प्यार देती है, दुआएं देती है, कैसे देती है, मैं परेशान हूँ, प्यार कैसे देती है, मैं क्या कह रही हूँ, हो गया
तो मैंने कहा चलो अच्छा ही काम कर रहा, कोई बात नहीं करने। तो अगर मेरे इतने करीब ही बच्चों ने जो मेरे अपने बच्चे हैं, अगर वो तुम्हें ऐसा कहेंगे तो मैं तो कभी अच्छा के तुमने छोड़ दिया। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि परसों की डेट में, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों की हल्का सा टेस्ट आपको दिया था। जो लोग टिकटॉक पे नहीं है उनको बता देता हूं कि आपके भाई ने टिकटॉक लाइव छोड़ दिया। तो मंथ एंड के ऊपर जो मैं कोई 60-70 लाख रुपए की सारी करता हूँ ना, वो इस महीने की आई ना। 60 साल की बात ही ना करो, जो भी तुम कमाओ, एक सिक्का कमाओ, करोड़ कमाओ। पहले महीने 17 कमाया था, उसके अगले महीने जो मैंने कमाया था मैंने सारा दिखा दिया था। इस महीने मेरा 60-65 बना था और वो सारा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ आपको कल के व्लॉग में इंशाल्लाह पता लग जाएगा। मामा छुपाने वाली बात क्या है? बात छुपाने जब मैंने ये बता दिया कि मैं टिकटॉक से इतने पैसे कमाता हूँ, यूट्यूब से इतने कमाता हूँ, मन कोई डर खौफ नहीं है। डर खौफ उसको होता है जिसने कुछ चोरी करनी हो। छुपाएंगे क्यों? छुपाने की बात नहीं, मैं कह रही हूँ जितने भी तू सिक्का हमेशा कमाए, जब घर में आता नहीं तो फिर बातें क्यों जानी? मुझे खुद बुरा बुरा लगा। ये अवाम है ना, अवाम तो हुआ जिन्होंने नबियों और पैगंबरों को माफ नहीं किया। हम तो फिर गुनाहगार इंसान है। दो दिन पहले मैंने इतनी इतनी घटिया घटिया बातें सुनी ना अपने खिलाफ, फिर मेरे पे, मेरी माँ पे, मेरी बहन पे। मैं कहा नहीं यार, ऐत गड़ी नेकी है ना, मेरे गले बैठ। मैंने माफी मांगी टिकटॉक पे बैठ के। फिर हमारे जो बड़े हैं वहां पर, अली अराइन भाई हैं, बहुत मेरे लिए इज्जत के मुकाम पे हैं, साद भाई, दादाजी, फिर तलहा भाई, इन सब ने लाइव कॉल के ऊपर गेस्ट पे आकर मुझे समझाया कि टिकटॉक पे वाइद आप एक बंदे हो जो ये काम कर रहे हो, वरना हर बंदा अपना भर समय लगी है। आपने छोड़ना नहीं है, आप रेस्ट करो 10 दिन 15 दिन 16 दिन। आप आके अपने मैच नहीं लगाना होगा, मत लगाना। आप आके सिर्फ बैठ जाना, हम आपको गिफ्ट ड्रॉप करेंगे। हमें पता आप किस पर्पज के लिए वहां पर आके बैठ रहे हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, अगर मैं जाऊंगा तो मैच खेलूंगा, लेकिन फिलहाल आपको भाई रेस्ट कर रहा है। 9 बजे 10 बजे वेला होता है, उसको रेस्ट करता है, फिरता वाला गर्दी करता है। मेरी बात सुनो, एक तो मेरे बच्चे का रेस्ट का टाइम खत्म हो गया, ठीक है, चिड़चिड़ापन आ गया। अगर आपने ये काम करना, फिर एक वो बनाओ कोई अदारा, कोई मैनेजमेंट करो उसके साथ। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने ये काम स्टार्ट किया था ऐसे ही, ठीक है यार, कुछ चार लोग नेकी के, चलो हमारे भी नेकी में नाम लिखा जाएगा। वो माशाल्लाह 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 इतना वसी हो गया, इतना वसी हो गया कि ऐसी ऐसी बैठक में उसकी बात हो रही है कि लोग यकीन ही नहीं कर रहे कि यार ऐ काम भी हो सकता है। अरबपति बंदा 1 लाख रुपए निकालते हुए ना लग समझ जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के दिखा दिखा के 20-20 लाख 60 लाख इस महीने डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बार हिलेगा तो सही ना भाई। अभी आपने मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ, हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जहाँ से तुम इजीली किसी तरीके के साथ जाए। मतलब कोई एनजीओ या फिर वो ही कुछ चीज है, लेकिन एनजीओ पाकिस्तान के अंदर उसको सबमिट करवाना, उसका अकाउंट बनवाना, बिल्कुल वो फिनार काम है। एनजीओ नहीं, एक ऑफिस बनाओ जिसमें बस तरीके। अच्छा अभी जब मैं आऊंगा ना वापस तब की बात है, फिलहाल मैं टिकटॉक लाइव जी नहीं आ रहा, ठीक है। मैं निकल रहा हूँ के लिए, मैं निकल रहा हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपसे बहुत सारा प्यार है मुझे। रुक जा, किधर जाते घोड़े सवार है ना। मामा गल दस रही है, टाइम बड़ा शॉर्ट है, जल्दी जुती मेरे नाल चल, बड़ा जरूरी काम है। मैंने पहले पता सी मैं तेरे जरूरी काम तेरे नाल नहीं जा सकता, तेरा जरूरी काम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे को पैसे नहीं है। मेरा वो जरूरी काम है, मैं तेरे पैसे की जरूरत, तेरे टाइम की जरूरत है, और उसके बाद दुनिया तो कोई काम ही कोई नहीं। मम्मा तू खाते वांची कहनी है, जेड़े काम ते नहीं जाना है ना, उस तो जरूरी काम ही कोई नहीं होता। मेरे काम ही यही होता कि जेड़े जरूरी काम होते। अभी मैं जा रहा हूं, मैं वापस आकर चलूंगा। जुती पे खुदा की कसम गाड़ी नहीं है, शायद ही लेके गया हुआ गाड़ी। मेरे पास गाड़ी है, आपका तो अभी तक व्लॉग कोई नहीं आया, आपने गाड़ी कहां से ले ली? मैं सब लूंगी इंशाल्लाह, देखे मेरा व्लॉग लगने दे। ऐसा कितनी देर का काम है, सही से बताओ? ज्यादा 2-2.5 घंटे। यार मम्मा जान ऐसा काम है, तू कहेगा मम्मा मेहरबानी, तू मुझे भी साथ लाओ, चप्पल लाओ, जूती लाओ, जूती लाओ, खेड़ी लेके आओ मेरी। अच्छा जी पता नहीं है, अभी कंफर्म नहीं हो रहा इस्लामाबाद जाना या नहीं जाना, कपड़े चेंज कर लेते हैं, सॉरी कपड़े तो चेंज किए हैं, जूती पहन लेते हैं, निकलते हैं। ऐ देखो जरा मिनसा से काम, व्हाट्सएप ये लो, धन दौलत DH 66 में प्लॉट ले लो, कंस्ट्रक्शन आपको बाद में करवा दूंगा, ठीक है, ओके। अच्छा जी जूती पहनते हैं, अम्मा के साथ चलते हैं, अम्मा काम करके, अगर टाइम बचा तो निकल जाएंगे इस्लामाबाद के लिए, ना बचा तो फिर देखते हैं, क्योंकि कल मेरा लाहौर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हाय 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 हाय, बड़े अरसे के बाद आज आपका भाई पहनेगा पेशावरी चप्पल। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? क्या हाल है? तबीयत ठीक है? उम्र कैसा रहा आपका? बेहतरीन। जरा उम्र की मेरा भी हुआ था, लेकिन मेरे बहुत लेट बाल आए हैं। क्या चक्कर है, कहाँ आए हो? अच्छा मैं कहा शायद मम्मा ने गड्डी खरीद ली थी, कहती मेरी गड्डी खड़ी है थले। हम लोग एक जरूरी काम जा रहे हैं जो आपको हमने नहीं बताया। अच्छा क्या चक्कर? अच्छा मेरी बात सुन, जा रहे हैं ना भाई, भाई भाई बड़े गुस्से से बैठे हैं भाई, कौन है भाई, कौन है? इम्पोर्टेंट काम है ना, एक बहुत ही जरूरी काम है जो कि काफी टाइम का पेंडिंग हो रहा था, वो हम करने जा रहे हैं। सरकार की गल है, खैर है, वेस्ट नहीं होगा, आप खुश हो जाओगे, इतना अच्छा काम है। बिल्कुल ज्यादा नहीं करा लेंगे मेरा। मैं कहा पूछ लो ना, इम्पोर्टेंट काम है, अभी व्हाट्सएप पहला करवाना, पहला तुम करो फिर दूजे का सोचना ही, पहला कहता दूजे का सोचने। अच्छा कहता दूजे का सोचने, नहीं सोचना क्यों? अच्छा जी निकल चुके हैं, देखते यार मेरी बात सुनो, जरा स्पीड में चलाओ यार, ब्रो जरा स्पीड में चलाओ, मैंने वापस आना है और शायद मैंने आज के आज इस्लामाबाद भी जाना, ठीक है। ऐसा है कि अम्मा का कोई जरूरी काम है और अम्मा कह रही है
कि ऐसा काम है जिसको मैं तेरा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तुझे पता लगेगा कि हाँ भाई ये काम करना जरूरी है। लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं हमारे साथ, उससे पहले व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। ओ, इसका फोन आ गया, मम्मा मम्मा इसका फोन आ गया, मुझे बोलेगा सुबह से फोन कर रहा है, बोलेगा देखना सारे देखना। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम, किधर हो? मैं इधर मम्मा के साथ जा रहा हूँ किसी जरूरी काम। आपकी तबीयत ठीक है, सेहत याब है आप? मर्जी का ये बात है भाई। क्या हुआ भाई? भाई क्या हुआ? रात को कितने फोन किए? 15 फोन किए यार। वो मैं दरअसल मैं गिर गया था। किधर गिर गया? बेड पे गिर गया, मेरी आंख लग गई। मैं बेड पे गिर गया था, मेरी आंख लग गई थी। ठीक है यार, ओके। और मेरी बात सुन, अरे गल तो सुन, पागल आदमी फूल कट गया ही, मम्मा गुस्सा कर गया। मैंने सुबह का इनको 4 बजे का टाइम दिया था कि हम इस्लामाबाद निकलेंगे 4 बजे, कि सारी रात जागते रहे, मस्त हो गया। मैं शाम को 4 बजे उठा यार, मैं 2 दिन से जाग रहा था, मैं क्या करता। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत सेहत ठीक होगी। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे आंटियां, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आपके रिजब को अपनी रिजब फैमिली बहुत अजीज है। अच्छा अब मुझे बताओ कि वीडियो को लाइक किया नहीं? प्यारा सा कमेंट किया? चल पागल समझ रहा ना मुझे, तू मुझे तो पागल समझ रहा, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। ये मेरा इंटरेक्शन है अपनी रिजब फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, क्योंकि 4 मिलियन पे हमने मीटअप करना है। ब्याह तो पहले एक मैं मीटअप कर लेना, क्योंकि ब्याह तो बाद मेरी मसरूफ तो गिनी है, मैं हाथ नहीं जाना, ठीक है ना? शादी के बाद भाभी ने ना भाई निकलने दिया, फिर ना कहना, फिर ओ भैया मैं अपनी मर्जी ना निकला तो वखरी गल है, भाभी की कोई ऐसी गल नहीं है, अपनी मर्जी ना निकले तो वखरी गल है। मीटअप करना 4 मिलियन का दस्ती से। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लो, क्योंकि रियल रज्जे फैमिली मेंबर वही है जो व्लॉग स्टार्ट होते ही वीडियो को लाइक कर देता, देखता नहीं अंदर क्या है क्या नहीं है, लाइक करके कमेंट करता, आगे दोस्तों को शेयर करता है। पहुंचते हैं अम्मा के जरूरी काम, उसके बाद मेरा यार हैदर जो है वो गुस्सा कर गया, बनाना ईट कर गया, उसको भी बनाने जाना है, ठीक है? जाने दे मेरी जान, इसको उड़ा दे इसको, चलो। अरे मैं थक गया यार, किधर लेके आए हो? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। क्या छोटे थे जब तेरी नानो यहाँ पे तस्वीर होती थी जिनाब हमारे मोसा का, उनकी मेरी नानो क्या हुआ यहाँ पे तस्वीर करते थे, नानो इस बारगाह में आती थी, मैं तुम्हें सुनाती थी। इमाम बारगाह? ये मुझे तो घर लग रहा है। या अली मदद, फिर मौला अली मदद। ये ना मैं तुम्हें सुनाती हूँ कहानी, बताओ पहले, सुना लो, इजी होकर सुना लो। दोनों मियां बीवी थे, सैयद बादशाह थे, वो दोनों की डेथ हो गई थी, उन्होंने ना फिर अपना घर मौला के नाम पे कर दिया, वक्फ कर दिया, वक्फ कर दिया। अब पीछे कोई है नहीं, बेटा हो तो कमाई करे, पैसे कमाए, तो मजालस हो सारी सारी मजालस बुद्ध की तस्वीर तक यहाँ पे होती है। तो फिर ना ये वो उनका कोई था नहीं पीछे, उन्होंने फिर ना ये ऊपर वाला कमरा बना के ऊपर थोड़ा सा घर बनाया, उसको रेंट पे दिया, जो पैसे रेंट से आते थे ना वो मजालस होती थी नीचे। अच्छा, वो इस हाल नहीं तो मेरी नानी का क्या लेना देना इस मामले का? मेरी नानो यहाँ पे तस्वीर करने आती थी जब नानो का दिमाग का बना था ना मसला। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एंड वाले टाइम पे मेरी नानो के दिमाग के अंदर जो है ना वो स्कैल्प्स और वो पता नहीं लाल लाल काले काले धब्बे बन गए थे, जिसकी वजह से ना वो अपनी बेटी को पहचानते थे और ना अपने बेटे को पहचानते थे। यहाँ आके बैठ जाते थे, इस घर को नहीं भूले थे, वही मां बाप को नहीं भूले थे, यहाँ आके बैठ जाते थे वो। इसलिए मेरा दिल था कि मैं थोड़ा सा इस घर को ऊपर से करवा के ना, तो मेरे मौला की मजाक क्या करवाना, अंदर आओ आओ बिस्मिल्लाह करो। अच्छा तो ये भाई का क्या इसमें रोल है? ठेकेदार है, ठीक है इनको। ओ यार ठेकेदार है यार तू, होता था मेरे, मैं क्या पता नहीं केड़ा सुपीरियर बंदा बैठा है, तो मेरा भरा ही यार पिपा, ठीक है। अच्छा जी आज फिर तो बड़ा जबरदस्त घर है यार, ये तो है वाकई जरूरी काम था। आज बिस्मिल्लाह अभी हो जाता, अभी हो जाता। माशाल्लाह ये माँ जी कौन है? ये तो नानी लग रही मेरी सेम, उनकी छोटी बहन है। अच्छा तो ये खुद भाई थोड़ा बंद कर दे, तो उनका अपना नहीं होता कि वो कितना करे, फिर ऊपर से जो अर्निंग आएगी ना, जो किराया आएगा। अच्छा अब सीन ऐसे है कि ऊपर एक कमरा वो इसको रेंट पे देते हैं, ठीक है, वहाँ से जो खर्चा मचा आता है, फिर नीचे मजालिस वगैरह और तस्वीर वगैरह यहाँ पर होती है। ये जी छोटा सा इमाम बारगाह और मेरी नानी जो है ना, एंड वाला टाइम अपना सारा यहाँ पर गुजारा मेरी नानी ने। अच्छा जी आप बैठ जाओ यहाँ पर, इजी हो जाओ, या ऊपर आ जाओ, बता दो क्या करवाना है, आओ आओ साथ आओ। ये इमाम बारगाह आ गया, ये दरवाजा आ गया, यहाँ से हमने जाना है जी ऊपर। आ जाओ भाई सारे आ जाओ, ओके ठीक है। अच्छा जी एक ये कमरा आ गया, ठीक है, और एक ये सामने आ गया। अब बताएं काम क्या है, आपको पता कुछ भाई? आपको आइडिया है? इधर पता है, मैं पहले भी जो है सारा कुछ देख, तो क्या हुआ? हाँ जी बड़ा शाना है तू तो है, बता क्या काम है। आज मैं आपको बताता हूँ, बताओ। आओ मम्मा जी आप भी साथ आओ, देख लो साथ साथ।
जैसे मम्मा कहती है ना यार वैसे कर। रजब भट्ट के साथ आप देख रहे हैं रजब फैमिली व्लॉग। ओके बताएं। पहले सर ये हमारा एक कमरा आ जाता है, ठीक है ठीक है। ये कमरा आ गया जी। ओके ठीक है। गार्डर है, लाइटर नहीं है, गार्डर है ठीक है। ओके ये आ गया। इसको जो है हमने थोड़ा सा जो है बड़ा कर देना है ठीक है। और ये द्वार खोल के यहाँ तक लेके जाना है। हाँ जी बिल्कुल। ओके नहीं यहाँ तक नहीं, ये यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ तक ही रहेगा ठीक है। ओके ओके ये बच्चा किसका है, बचा किसका जो किराएदार अभी रह रहे हैं। ओके अच्छा जी इसी कमरे के साथ अटैच आप इस तरफ आ जाएंगे। हाँ जी यहाँ पर सेकंड कमरा है ठीक है। ठीक है ये वाला जो दरवाजा। ओके यहाँ पर भी गार्डर है। हाँ जी ये वाला दरवाजा बाएं वाला बंद हो जाएगा ठीक है। ओके ये बंद करना है, ये वाला बंद हो गया। आगे ये दो कमरे बंद, ये किचन है और ये बाहर किचन है। अब इसका सीन ये है कि दो कमरे, अब ये तीसरा कमरा दोबारा से बड़ा इतना कमरा बन जाएगा यहाँ तक ठीक है। ठीक है तीसरा कमरा बनेगा, ये वाला दरवाजा बंद हो गया, इसका दरवाजा जो तीसरे कमरे का यहाँ पे आ जाएगा, तीन कमरे हो जाएंगे साथ। यहाँ पे हम एक बनाएंगे छोटा सा किचन ठीक है। ओके क्योंकि ये वाला किचन जो है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा दूसरा किचन ठीक है। किचन हो जाएगा, तीन कमरे हो जाएंगे और लेंटर भी ठीक करने होंगे आपने, ये खिड़कियां भी ठीक करनी होंगी और खिड़की भी ये वाली सामने वाली ग्रिल नहीं लगवाएंगे, ओवरऑल सारा जो है वो रिपेयर होगा। अच्छा अब आप ठेकेदार हैं, इधर आए जब फिर डालें चुम्मी ले ले मेरी और सारा काम फ्री कर दे। ऐसा है कि तीसरा कमरा और ये दरवाजे खिड़कियां ऊपर वाला लेंटर वो जो गार्डर डालें चाहे गार्डर डाल के रखो लेकिन ऊपर अगर सीपेज वगैरह या वो लीकेज है वो सारी ठीक कर दो। अंदर हमने सारी टाइल डालनी है, मिट्टी की ट्रालियां आएंगी वो नहीं डलेंगी ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर दोबारा कोई 7-8 सीमेंट की बोरियां। अच्छा खर्चा खुर्चा मैं तेरे को बाद पूछ लूंगा, टाइम दस कितना लगेगा? टाइम जो है तकरीबन ठेकेदार साहब तुम दसो कोई 20 दिन लगेंगे। 20 दिन पूछ लिया जो मनु क्या 20 दिन तो फिर 20 दिन ही होने चाहिए, जो 21 आए फिर दसो की होगा। बेफिक्र ऐसा आके तरला पावांगा ना मैं जर्मन गल कर रहे हैं। और ये मेरी नानी आखिरी टाइम यहाँ पर गुजारा, मेरी माँ की ख्वाहिश है बथेरे माम बार करें बथेरे का करी था अल्लाह की जात करवाती है लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो रख के ठीक है। ओके हो गया। ओके जी चलिए चलो बस ला 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 बस करिया कर माई माई काम तो बाकी बड़ा जरूरी थी तेरा आइया। ओके जी मामा का जरूरी काम बाकी वर्थ इट था यार, ये पहले था इमाम बारगाह में एक दफा सलाम कर लेते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ यहाँ पर, नानी मेरी ने सारी जिंदगी यहाँ पर गुजारी है जी। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद जब ये मेरी अम्मा का दौर था जब तस्वीर मामू से करो इस्लाम की होती थी तो ये चीज उन्होंने अभी नहीं बनाई थी। ये सीढ़ियां वगैरह और ये दरवाजा तब नहीं था। हाँ। ये सारा कुछ अब बना। ओके इतनी सी ये गली इतनी सी ऐसे ही थी, वहाँ पे वो आंटी जो जिनकी डेथ हो गई बेवलाद थी ना सैयदादी थी, जो बेवलाद थी तबरक मारती थी कभी फूलियां कभी किसी नीम को, उन्हें बड़ा था शौक तो मैं अम्मा हम लोग यहाँ से लेके निकलते अब गेट बड़ा गया तब ये था। अच्छा चलो रोने वाली की बात है, सारा कुछ करवा देंगे जो आपको करवा देंगे, संगे मरमर लगवा देंगे, फिक्र नहीं करनी आ जाओ चलो। ओके जी शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा का जरूरी काम। मैं ना शुक्रिया मुझे रोना इसलिए था कि मेरी अम्मा की मुझे याद आती है ठीक है। मैं शरिया का भी शुक्रिया अदा कर रही थी। मम्मा इजी हो जाओ क्या हो गया, चलो शहरियार तेरा। अच्छा तू भी रोने लगा और बस कर मरे तू कैसे रोने लगा, क्या हुआ है? अच्छा इजी हो जाओ खैर हो जाएगा काम टेंशन ना लो। मेरी अम्मा ना यहाँ पे जब पहला पुराना था ना घर धूप आती थी। हाँ। मेरी अम्मा जैसे मैंने तुम्हें कहा मेरी अम्मा ने बड़े भाई कहा कि जाके वहाँ पे शेड डलवा के आ, मामू ने कहा हाँ, शेड डलवा के फिर मोटर पानी लगवाई पानी वाली फिर शेड डलवाए, मेरी अम्मी छोटे छोटे काम ना करवाती रहती थी माँ बार। चलो बड़े बड़े हम करवा देंगे खैर ठीक है। मैं अपने बेटे का भी शुक्रिया अदा कर रही हूँ। मैं किसी खाते च नहीं आ रहा ना तीन जितना तेरह च जिन्हें कायदे आजम देना है वो ना तीन जितना तेरह च है ऐसा ही है जी। अच्छा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा का जो काम था वो वाकई वर्थ इट था वो हो गया। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे हैदर के घर या शहजी के घर ड्रॉप कर दें क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो शहजी के पास है, उसे मैंने कहा अपने पास ही रखे मैं यहाँ से डायरेक्ट उसके पास आ रहा हूँ। हैदर जो है ना वो बनाना ईट कर गया, आप वो अम्मा आए फिर ठेकेदार जाओ खाना छाना खाओ मुझे ड्रॉप कर दो क्योंकि हैदर बनाना ईट कर गया, मैंने जाकर खुद एडजस्ट करवाना प्लीज जरा ठीक है। जाने दो चलते हैं जी हैदर की तरफ या शहजी की तरफ, वहां से जाकर फिर अब हैदर को बनाते हैं। गुस्सा कर गया यार वो बस यार किधर ही उतार दो ठीक है जी अल्लाह हाफिज़। किधर जा रहे हैं मुझे जराये के मुताबिक खबर मिली है कि यहाँ पर बैठे हुए सारे मेरे फोन नहीं उठा रहे। अच्छा। सारे मेरा फोन नहीं उठा रहे सारे नाराज हुए हैं और शादी साहब सवेर की गड्डी लग गए ने वो भी नाराज हो गया साहब लगाओ हालांकि उसका फोन भी कोई नहीं आया। ओके अल्लाह हाफिज़ जा रहे हैं पेट पूजा करते हैं आप ही मुझे पता है यहाँ पे खाने जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं खाऊंगा मैं सिर्फ जा रहा हूँ दोस्तों को पिक करना बस ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़ खैर से जाओ। ओके
देखो बैठे जी, वो बैठे, ये बैठे, ये मेरे को ना पूरा रेस्टोरेंट खाली है, सारा रेस्टोरेंट खाली है, कल्ले बैठे ठूसते मैंने। हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? क्या हाल? ओए देख, इतने जोर से लगी अपनी घड़ी, उतर गई है। जाओ यार यहां से। क्या हाल है? आज तो चाइनीज खाता जा रहा है। ना करो यार, दिमाग खराब है। बारबी डॉल चाइनीज खा रहा है, क्या हुआ है? उन्होंने इतने गुस्से में फोन बंद किया, ऐसे ना किया कर यार, बनाना ईट कर जाते फटाफट। क्यों तेरे से वो आ रही है? कहाँ जाओ? उधर बहने इतने के नहीं बहना, मैं वेटर हूँ, क्या बाहर सटवा देना तेन गेंडे यार। पहले बोलते रहे छुट्टी बाद चो। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। क्या खा कर रहा है? क्या ये प्रॉन है? नहीं नहीं ठीक है, तुम चढ़ा लो, बनाओ 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 बनाओ, तुम पहले ब्लॉग चढ़ा लेना, ठीक है? ले आओ उधर, ले आओ यार। क्या हो गया यार? शर्म यार, खाना छीन रहा, खाना छीन रहा मेरे हाथ से, क्या प्रॉब्लम है? और यार मैं सो गया था यार, तुझे पता है मैं दो दिन से जा रहा हूँ, तुझे पता तो है, खड्डे देख मेरी आंखों के नीचे। तुम 20 दिन रेस्ट करके आयो पुत्र, रेस्ट की थी, तुम रेस्ट की थी 20 दिन, मैं तो भी काम करता रहा वहां। थोड़े चावल दे दे, भूख लगी है। की करता मैं ऐसा, फोन ही नहीं यार, चले जाते इस्लामाबाद, क्या हो गया? मरने लगे हो यार, फिर क्या हो गया? खाना तो खा रहे हैं लोग। हम लोग रात को 2 बजे तक मंदिर में प्यार बैठे हैं। मैं एक बार रात के कपड़े पहने, मैंने स्टोरी लाई, मैं स्टोरी रात के तैयार हो गए। पता नहीं क्या वो मिसाल बड़ी गलत सी है, नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, बस तो बैठो, की उधर जाके बैठो यार, की तरीका कर रहे यार, खाना खाना, मैंने भूख लगी है। ले आओ यार मेरा फुल मेन्यू ऑर्डर करो, आई फिर मेरे मैं दसना वा इस्लामाबाद की कर रहे हैं। और यार मकाओ गल यार, अजी बच्चों वाले काम अब नहीं उठाया फोन, तो क्या हो गया? केला खा के बैठ, केला भी खाया, वो अपने चाइनीज भी खाई जा रहे हो। A few moments later, खाना शाना खा लिया, खा लिया, अब आ जाऊं मैं, गल सुनो और मेरी यार, मेरी गल सुन, तू पागल है यार, बेवकूफ आदमी है इधर यार, बिलिंग से ले लो, हैं और बिल दे के जाओ, पागल हो? हेलो, ओए मेरे पास पैसे नहीं है, पागल है बेवकूफ। और मैं मरन लगा, वहां दे देना बिल यार, क्यों हो गया? और मैं जानता नहीं, सेलिब्रिटी है, बिल तो देना राजा भाई। है कैसा सेलिब्रिटी है, सबसे पहले मेरे को बिल मांगी गया खाना, और मैं तो साइड वाले टेबल पे बैठा हूं, सोना को मांग पैसे यार, खाया तो आपने, बिजनेस बिजनेस हो, और मैंने 1 रुपया भी नहीं, मैंने कुछ खाया तुम तेरे टेढ़ी दी कैसे, मैं कुछ खाया? वो कह रहे हैं बिल आपने लिया, उन्होंने दी कहती है, उन्होंने बोला वो यार जाके भाई, हमारा तो देखना बिजनेस है, बिल तो हमने लेने के, भाई तू अपने गार्ड ही ना सद ले, मैं मारना से लिया, ए इतना कुछ खा लिया इन्होंने यार, देख रहा सही, इतना सारा कुछ शायदी यार, वेख लो खुदा की कसम, मेरे को पैसे नहीं है, ज्यादा नहीं है, 6,000-7,000 का होगा। जैस कैश नंबर दे दो भाई, ट्रांसफर कर देने यार, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ट्रांसफर कर दे, जैस कैश नंबर दे दे, ओके सुन लो हैदर, अरे मेरी गल सुनो भाई, बात तो सुनो, इधर आओ यार, की करते पे हो, पागल हो तुसी यार, बेवकूफ है, मोटे मारूंगा तुझे मैं, मेरी बात सुनो, इधर आओ, मेरी गल सुन, मोटे आ ओ मरे, क्या सेंडा, मेरी बात सुनो, और दिमाग ना खराब करो मेरा, आया मेरा यार, आया डोगरा दा डोगर, की हाल है, मुंह काला करा के, मुंह काला जा, तेरा वेट कीता है, डोगर आ यार, चला कहां जा रहा है, दे हैं सारी रात बा आके, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैंने सिर्फ एक ही फोन उठाया था, आ रहा हूं, उसके बाद मैं सो गया, तेरा सी फोन नहीं चुकते, तेरा त्रास बंद है ना यार, मैं सो गया था यार, मैं तेरी तरह 3-3 दिन गायब नहीं जाता, एवे असी भी सो जाइए, जे तू कहना फोन नहीं चुकता यार, मैं छेड़ छेड़ कर, तू मेरे साथ है ना, मैं साथ ही हूं, बस ठीक है, ओके जाओ जाओ, चेक करो पार्टी बदल लेंदा है, हां डड्डू मेरे साथ है, डड्डू हां यार, यार इन्हें फाड़ यार, यार क्या ड्रामा है यार, शैजी मैं तेरी टूटते लत मारूंगा बेटा, मेरे से ना ये खा लेना अभी यार, की प्रॉब्लम है, तुम्हारी गल है यार, तू सारी रात वेट करा के ते 2 नंबर ही कर रहा है, अच्छा चलो, अच्छा चलो गड्डी बैठो, गड्डी बैठो, गड्डी पे गल कर ले, चलो तेरे प्यो दी गड्डी है, हैं आए आई ते बड़ी चमक रही है भाई, लगता है शैजी ने सर्विस कराई है, हैं जबरदस्त, हां शैजी ओए ओ बेवकूफ, ओए पागल आदमी, मैं गिर जाऊंगा,
भाई इंसान का पुत्र बनना भी जाना और इधर जाके बैठ तू पागल है गड्डी खोल पागल क्या बच्चा खोल मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा मुंह के और सबर कर यार सबर कर गिर जाऊंगा भाई गिर जाऊंगा और आराम से गिर जाऊंगा यार एक मिनट बंद कर सबर कर जा यार तमीज चले लाओ इंसान का पुत्र बने चपेड़ा मारा मैं तेरे में हैदर क्या हो गया इतना अब यार तुम लोग मेरा जिंदगी में कभी फोन नहीं उठाया तीन 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 घंटे बाद कॉल बैक करते हो सारी रात ना आंदा रे मेरी बात सुनो मैं इस्लामाबाद ले जाऊंगा कल एक जरूरी काम है मेरी गल सुन इस्लामाबाद पागल का पुत्र है तू मेरी बात सुन उसको पूछ ले बहुत जरूरी काम है कल खुदा की कसम बहुत जरूरी काम है जो कि मिस आउट नहीं हो सकता ठीक है कल का दिन रुक जाओ यार पहले कभी नहीं ले गया पहले हम कभी इस्लामाबाद नहीं गए ले जाऊंगा यार यार बंदे ने यार माइंड सेट किया होता क्यों तेरे माइंड में तो बाल ही नहीं है सारी रात में तैयार की मैं अभी तक मैं वही कपड़े पहने हुए हैं ओ यार फिर तैयार हो जमी यार तू कड़ा कोई जाके करा के आना सी मैनीक्योर पेडीक्योर हद हो गई यार फिर तैयार हो जाइए मेरी बात सुनो कल एक जरूरी काम है वो मुकम्मल करने के लिए तुम सब की मुझे जरूरत है ना मैं खुद जा सकता हूँ ना तुम्हें भेज सकता हूँ ठीक है कल वो कर ले उसके बाद परसों चले जाएंगे यार वादा लेके जाऊंगा यार क्या हो गया फोन उठा के बंदा बताता तो है कि मैं सुता है मरिया प्यासा यार सुनो मेरी बात अब इस बात को खत्म करो अब आओ इस साइड पे कि अभी हो रहे हैं 23 घंटे व्लॉग को लगे हुए 1,04,000 कमेंट हो गया ठीक है मान साहब मैं तो मुंह से लफाड़े मारा ना यार तो रेडी रेडी हो जाओ आप दोनों आप लोगों ने सेंगियस करना है और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेंगियस होना है लफाड़े मारना सेंगियस नहीं होना पुत्र तेरा प्यो भी करेगा चलो हैदर साहब तबीयत सीट नहीं लग रही मुझे आपकी ठीक नहीं लग रही मैंने आपकी एक एक बच्ची का नंबर लीक कर देना बता रहा हूँ आपको मैं चलो फिर बच्चियां की गल्ला करी जा रहे यार क्या मुझे पता नहीं क्या समझा सही कह रहा सही कह रहा मेरी बात सुनो सेंगेस की तैयारी करो यार सेंगेस की तैयारी करो मुझे बता दो क्या बजट है क्या हिसाब किताब है मैं कहां कहां लेके आप लोगों को जा सकता हूं मेरा सेंगेस में बजट ही आता है हां जी बजट का दुख सबसे ज्यादा होता है इसलिए आ इधर वे इधर वे यार मेरा बजट जेड़ा है ना 2,600 इंशाल्लाह कल के दिन में बहुत ही जरूरी काम है आप लोगों ने कल का व्लॉग मिस आउट नहीं करना एट एनी कॉस्ट अगर मेरी जिंदगी रही तो आ जाएगा अभी तक व्लॉग करते हैं यहाँ पर एंड सेइंग यस आ रहा बस सब उसकी तैयारी करो बड़े बड़े तौर में लग जाने बड़े बड़े तौर में इधर देखो करी 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 मां मेरी गल दौर मास कॉन्फ्रेंस दौर मास कॉन्फ्रेंस एक अद्धी दुकान बेचता है उस अलावा काम नहीं तू की जट तैयार आ लेना व्लॉग को फिलहाल कर रहा हूं यहां पर एंड चलते हैं मुझे कुछ भूख लगी है इन्होंने तो खा लिया मैंने कुछ नहीं खाया अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें कमेंट करके बताएं कैसा लगा कैसा नहीं लगा बहुत सारा ख्याल रखो तुम लगा कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ तब तक अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़